हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रिजवाना आसिफ और मैं हूँ रिजवाना, आपकी दोस्त एंड आपकी होप। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, सर्दियों में अगर आप साबुन की जगह ये इस्तेमाल करेंगे ना, तो 110% मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। लाइक अगर आपके स्किन पर पिंपल प्रॉब्लम है, आपके स्किन पर एक्ने इशू है, पिंपल मार्क्स हैं, ड्राई स्किन है आपकी, ईचिंग की प्रॉब्लम है, या फिर आपकी स्किन फटती है बहुत ज़्यादा सर्दियों में, इसके अलावा आपकी स्किन पर झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम को दूर करेगा आज का ये रेमेडी। आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ DIY फेस वॉश। जी हाँ, होममेड फेस वॉश फॉर ऑल स्किन टाइप। दोस्तों, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पर कि साबुन नहीं, ये इस्तेमाल कीजिए, ये इस्तेमाल कीजिए, जस्ट बिकॉज नेचुरल चीज़ें जो होती हैं ना, वो बेहतरीन रिज़ल्ट आपकी स्किन को दे सकती हैं। गाइस, स्किन को क्लीन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आप लोग कहेंगे कि हम कौन सी स्किन टाइप इस फेस वॉश को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप चाहे ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन सेंसिटिव स्किन है, या फिर नॉर्मल स्किन है, आप कोई भी स्किन टाइप हैं, ये फेस वॉश आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी स्किन को ये डीपली क्लीन करेगा, आपकी स्किन को स्क्रब करेगा, क्लींस करेगा, साथ ही साथ आपकी स्किन पे एक बेहतरीन पैक का भी काम करेगा। तो आप कह सकते हैं 3-in-1 ये काम करेगा। लाइक आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन करेगा, फेस वॉश करेगा, दूसरा आपकी स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करेगा यानी स्क्रब करेगा, तीसरा आपकी स्किन, आप इसे फेस पैक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओबटन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उबटन से याद आया, आप इसे दुल्हन, अगर आप ब्राइड टू भी हैं, आप दुल्हन बनने वाली हैं, तो आप एक महीने पहले इस फेस वॉश को बनाकर इस्तेमाल करना स्टार्ट कीजिए। इतने बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे ना, आप लोग कमेंट में आके मुझे थैंक्स बोलेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, मतलब रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे चावल और मसूर की दाल का पाउडर। ठीक है, तो दोस्तों बनाना कैसा है, बहुत ही इजी है। ठीक है, अगर मैं सारा प्रोसेस आपको दिखाऊंगी ना, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो मैं बहुत ज़्यादा भसड़ नहीं मचाना चाहती वीडियो में, मैं बेसिक बेसिक चीज़ें आपको बता रही हूँ। दाल और चावल आपने लेनी है, मसूर की दाल आपने लेनी है रेड वाली, और चावल लेना है आपने वाइट राइस, उसको अच्छे से आपने मिक्सी में डाल के पीस लेना है, उसका पाउडर बना लेना है। ठीक है, दाल और चावल दोनों ही आपकी स्किन को ब्राइट एंड टाइटन करने में, साथ ही साथ नेचुरली क्लींस करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देंगी। ठीक है, दाल और चावल बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को ब्राइट एंड टाइट करते हैं, साथ ही साथ एक्सफोलिएट करते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने इस्तेमाल की है 2 चम्मच यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी, जो कि नेचुरली स्क्रब स्किन को क्लीन करती है, देसी फेस वॉश आप बोल सकते हैं, देसी फेस वॉश का काम करती है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ बेसन का, तो बेसन काफ़ी समय से हमारी स्किन को नरिश करने के लिए, क्लीन करने के लिए, रंगत को निखारने के लिए, और दुल्हन के उबटन में भी इस्तेमाल किया जाता है बेसन का। तो बेसन का बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, नेचुरली क्लिनजर का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ दूध, तो दूध जो है वो लैक्टिक एसिड होता है दूध के अंदर, जो आपकी स्किन को ग्लोई स्किन बनाता है, आपकी स्किन को लाइट एंड ब्राइटन एंड टाइटन भी करता है। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा गजब का इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, विच इज़ ग्रीन टी। सो ग्रीन टी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी से भरपूर होता है, जो कि आपकी झाइयों को क्योर करेगा, झाइयों के साथ साथ झुर्रियों के प्रॉब्लम को क्योर करेगा। ठीक है, एक नेचुरली स्क्रब करेगा आपकी स्किन पर, और एक फ्रेशनेस आपको देगा, आपकी स्किन को टाइट अप बनाएगा, ब्राइट अप बनाएगा, और लाइटन भी करेगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गजब के इन्ग्रीडियंट सारे ऐड किए हैं मैंने इस फेस वॉश के अंदर, तो आप देख सकते हैं अगर आपकी स्किन पर कोई पिंपल मार्क्स है या पिंपल की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आप आधा चम्मच हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, सारी चीज़ें नेचुरल हैं, सारी चीज़ें आपकी स्किन को क्लीन, क्लियर एंड क्लैरिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त काम करती हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया और अब तैयार हो गया हमारा नेचुरल फेस वॉश। अब आपने इसे बनाना सीख लिया, अब मैं आपको बताती हूँ आपने इसे कैसे स्टोर करना है। सो गाइस, इसे आपने स्टोर करना है एयर टाइट कंटेनर के अंदर। अब मेरी बहुत सी प्यारी बहनें मुझसे पूछेंगी कि हम एयर टाइट कंटेनर में क्यों स्टोर करें इसे, तो दोस्तों मैं आपके साथ बहुत बार DIY फेस वॉश शेयर कर चुकी हूँ और आज भी शेयर कर रही हूँ, तो बताऊँगी बिल्कुल, क्योंकि कुछ लोग मेरे चैनल पर नए जुड़ते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती, तो हमारा फ़र्ज है आप लोगों को बताना
ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझसे पूछते हैं तो मैं बताती हूँ आपको। एयरटाइट कंटेनर में हम इसलिए इस चीज़ को, इन चीज़ों को स्टोर करते हैं क्योंकि हम ये चीज़ें ना नेचुरली बनाते हैं, इनमें कोई कलर केमिकल तो होता नहीं है, तो ये चीज़ें ख़राब होने का बहुत जल्दी डर होता है, ठीक है, इसलिए हम चीज़ों को एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं। तो आप चाहें तो जो कॉफ़ी की बॉटल्स होती है ना, उन्हें अच्छे से धो लीजिए, जब आपकी कॉफ़ी ख़त्म हो जाती है उसे फेंकिए नहीं, उस बॉटल को अच्छे से धो लीजिए, कांच की बॉटल आप ले लीजिए और उसमें अच्छे से अपने इस फेस वॉश को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी ऐसे ही करती हूँ काफ़ी बार, और ये हमारा DIY फेस वॉश हो चुका है रेडी। तो अब आपने इसे करना है स्टोर इस तरह से, ठीक है। अब आपने कैसे इस्तेमाल करना है वो आप ध्यान से सुन लीजिए। तो ये जो DIY फेस वॉश है ना, आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। लाइक आपकी स्किन कोई भी स्किन टाइप है, ऑल स्किन टाइप के लिए आप इसे बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट प्रॉब्लम को दूर करेगा। अब कैसे इसे आपने इस्तेमाल करना है, इसे इस्तेमाल करने से पहले आप ऐसे एक बार इसे शेक कर लेंगे ताकि एक बार सारे इंग्रेडिएंट्स और एक बार अच्छे से आपस में मिल जाएं। आपने ऐसे थोड़ा सा अपने हाथ में फेस वॉश को लेना है और पानी लेना है आपने, ठीक है। बाथरूम में आप मेक श्योर करें कि आप वॉश बेसिन के पास ही खड़े होकर इस तरह की प्रक्रिया करें क्योंकि थोड़ा मैसी हो जाता है। अब आपने लेना है पानी, पानी लेकर आपने अच्छे से इसका एक पेस्ट बनाना है इस तरह से, ठीक है, स्मूथ सा पेस्ट बना लिया। लाइक आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन, लाइक एक क्लिंजर का, एक स्क्रब का और एक फेस पैक का काम करेगा। और आपने सर्कुलर मोशन में अपने फेस को क्लिंज करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना क्योंकि इसके अंदर हमने चावल का आटा और मसूर की दाल का पाउडर भी ऐड किया है, जो कि उसके पार्टिकल थोड़े से दरदरे होते हैं, अगर आप ज़्यादा हार्श हो जाएंगे तो वो आपकी स्किन पर स्क्रैच भी कर सकते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट आपको इसे करना है और दिन में सिर्फ एक ही बार आपको इस फेस वॉश से फेस को वॉश करना है, ठीक है। 7 से 8 दिन में आप देखेंगे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई, बहुत ज़्यादा सफल, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, ठीक है, आपकी फेस से सारे प्रॉब्लम दूर होने लगे। अगर आपकी पिंपल प्रॉन स्किन है तो आप एक फिंगर से अपने फेस पर मसाज करेंगे, ज़्यादा हार्श नहीं होंगे, ठीक है। तो ये था मेरा ऑल ओवर वीडियो, वीडियो कैसा लगा आप देख सकते हैं मेरे हाथों पर रिजल्ट, ठीक है। इसी तरह आपके चेहरे पर भी बिल्कुल स्मूथनेस आ जाएगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी आपकी स्किन। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया और मज़ेदार लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।